गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर थर्ड जो हमारी चल रही है, चैप्टर है सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी हमने एक्सरसाइज ए का वर्किंग मेथड हमने समझ लिया, इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी किए। तीन लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए इस एक्सरसाइज ए के। आज ये फोर्थ लेक्चर है इस एक्सरसाइज ए का। आज भी मैं एकाध प्रश्न और लूंगा ताकि आपको ये जो एक्सरसाइज ए है अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो देखो अब एक नया एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। और क्या कहना चाह रहा है देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0। सबसे पहला काम, समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए, मानक रूप में परिवर्तित करो। और मानक रूप में परिवर्तित करने के लिए करना पड़ता है, ये जो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक 1 बनाते हैं। गुणांक कितना बनाते हैं? 1। तो इसलिए हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या लगाना पड़ेगा? भाग लगा देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भाग। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0। ये समीकरण नंबर कौन सी आ गई? फर्स्ट। ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप से तुलना करते हैं। और मानक रूप क्या कहता है? डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स। तो पी की वैल्यू कितनी है जरा देखो, माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यू क्यू वाई, तो क्यू की वैल्यू कितनी है? माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बराबर में R, R की वैल्यू कितनी है? 0। तो मानक समीकरण से तुलना करके हमने P, Q और इक्वल में कौन? R, वो हमने लिख लिए। अब बात करते हैं कि यार क्वेश्चन कुछ और भी दिया है, क्वेश्चन कुछ दिया है जरा चेक करो। क्वेश्चन ने क्या गिवन है सुनो, कि Y बराबर e की पावर a साइन इनवर्स x। एक हल है, एक बात याद रखना बच्चों, सभी सारे स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना कि प्रश्न ने कहा क्या कहा है, वाई इक्वल टू दिस एक सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन। इसका मतलब ये यू की वैल्यू दिए प्रश्न है, यानी उसने एक सॉल्यूशन उसने खुद ने दे दिया यू। या फिर क्वेश्चन ऐसा बोले सी एफ का एक पार्ट है, सी एफ का एक पार्ट या वन सॉल्यूशन बोले, तो यानी वो आपको यू दे रहा है। अर्थात दैट इज आपको ये यू की वैल्यू दी हुई है, ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स, यानी ये यू की वैल्यू आपको दी गई है। ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। कभी भी क्वेश्चन ऐसा कहे कि ये एक हल है या फिर ये सी एफ का एक पार्ट है, तो यानी वो यू की वैल्यू अपन को खुद दे रहा है, हमें यू नहीं निकालना। हालांकि यू के लिए मैंने कितनी बातें सिखा रखी है आपको? 3 बातें। अब सुनो, अब नेक्स्ट काम क्या करते हैं, लेट कंप्लीट सॉल्यूशन। अपन क्या लिखते हैं, लेट कंप्लीट वाई बराबर यूवी और यू की वैल्यू ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स और ये इन टू में वी। इक्वेशन कौन सी आ गई? सेकंड। अब यही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए? वी की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए? वी की। और वी की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम रिड्यूस करेंगे। तो यहां तक तो वही सेम प्रोसेस पुराना ही, बस क्वेश्चन ने एक चीज दे दी, ये वाली वन सॉल्यूशन, यानी यू उसने खुद ने दे दिया। अब बात करते हैं इसको आगे, देखो इक्वेशन 1 रिड्यूस टू
समीकरण एक को रिड्यूस करते हैं इक्वेशन वन का परिवर्तित रूप, कैसे लिखते हैं, डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में पी प्लस टू अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स और ब्रैकेट के बाहर डी वी अपॉन डी एक्स बराबर में आर अपॉन यू, सबकी वैल्यूज रखेंगे और एक काम और करते हैं हम कि डी वी अपॉन डी एक्स को क्या मानते हैं, स्मॉल पी मानते हैं, क्लियर, स्मॉल पी मानते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे, जब डी टू वी अपॉन डी पी अपॉन डी एक्स, जब डी वी अपॉन डी एक्स को पी माना है तो अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी डी पी अपॉन डी एक्स प्लस पी की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन यू, टू अपॉन में यू, यू यू किसकी वैल्यू है, ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स और यू का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, देखो यू का डिफरेंशिएट करना है तो ई की पावर एक्स का इंटी अवकलन, देखो ध्यान सुनो टू अपॉन यू, टू अपॉन यू, अब यू का एक्स के रेस्पेक्ट, तो पहले ई की पावर एक्स का, यू की वैल्यू क्या है दिस, तो ई की पावर एक्स का अवकलन तो ई की पावर एक्स ही हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब पावर की बारी, ए तो चुपचाप, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हुआ वन अपॉन रूट में वन माइनस स्क्वायर और ये पी और बराबर में जीरो क्योंकि आर की वैल्यू कितनी है जीरो, आर अपॉन यू करोगे तो जीरो आएगा। अब देखिएगा इससे तो ये कैंसिल हो गए ठीक, अब dp अपॉन dx, अब मैंने आपको एक बात बताई थी अगर आपको याद है तो, मैंने कहा था अगर इक्वल में जीरो आए, इक्वल में क्या आ रहा है जीरो, देखो इस समीकरण के इक्वल में क्या आ रहा है जीरो, जब इक्वल में जीरो आए तो आपको एलडी से करने की जरूरत नहीं है इस प्रश्न को, आप डायरेक्ट चरों का पृथक्करण कीजिए, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करो, आओ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कैसे करेंगे, इनको उधर ले जाओ, ये माइनस में उधर जाके प्लस में, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स सॉरी प्लस प्लस और ये वाला उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस टू ए अपॉन ये रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बार कौन है पी, दोबारा देखो ये माइनस वाला उधर जाएगा प्लस में और इस ये वाला प्लस में उधर जाएगा माइनस में और अब करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों का पृथक्करण। अब तक अपन ने एक भी प्रश्न में ऐसा नहीं किया था, अभी तक के जितने ही मैंने प्रश्न करा उनमें एल डी ई बनी थी इन पी, पी के अंदर एल डी, लेकिन इसमें इक्वल में क्या आ रहा है जीरो, इसलिए डायरेक्ट क्या करो चरों का पृथक्करण कर लो, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, आइए पी को अपॉन में बुला लो, पी के नीचे डी पी अपॉन वी, पी पी के पास और डी एक्स उधर ले जाइए, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स माइनस टू ए रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। अब करेंगे ऑन इंटीग्रेशन, करते हैं हम समाकलन, देखिएगा अच्छे से, अब समाकलन किस करेंगे, देखो वन अपॉन पी का इंटीग्रेशन होता है लॉग पी, वन अपॉन पी का इंटीग्रेशन लॉग पी, इसको देखो इस नीचे वाले को अगर टी मानेंगे हम, वन माइनस एक्स और क्या मानेंगे टी, वन का डिफरेंशिएशन तो जीरो, एक्स स्क्वायर का हो गया टू एक्स माइनस, माइनस भी आएगा माइनस टू एक्स, तो एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस डी टी अपॉन टू, तो माइनस डी टी अपॉन में ये टू, तो वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी और टी किसको मान रहे हैं हम वन माइनस एक्स स्क्वायर को, देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया है नीचे वाले अगर टी मानोगे तो बन जाएगा डी टी अपॉन टू माइनस के, तो वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी, देखो आगे बढ़ते हैं माइनस टू ए रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर था ये,
वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स। अब एक काम करते हैं, समाकलन स्थिरांक जोड़ देते हैं प्लस में लोग सी वन, क्यों यहां भी लोग तो एक समाकलन स्थिरांक क्या जोड़ते हैं लोग सी वन, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, सिंपल हो जाए। अब देखो मैं स्कोर ऑफ कर देता हूं, देखिए ये पावर वन बाई टू ऊपर जाएगी, लोग ये आगे है तो पावर चल जाएगी ना, लोग में आगे तो ये पावर वन बाई टू ऊपर जाएगी, तो वन बाई टू मतलब रूट, और ये माइनस लग रहा है इधर आके प्लस, और लोग सी वन इधर आएगा तो माइनस, तो लोग लोग एम प्लस लोग एम इंटू एन, तो ये माइनस वाला इधर आएगा तो लोग एम प्लस लोग एन, तो इंटू है ना पी इंटू रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, और लोग सी वन इधर आएगा तो माइनस का लोग सी वन, तो लोग एम माइनस लोग एम अपॉन एन, तो सी वन खा जाएगा नीचे, आई बात समझ में, और माइनस का टू ए साइन इनवर्स एक्स। अब देखो इधर लोग को उधर भेजेंगे, लोग उधर जाएगा तो ई की पावर में, तो पी रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर सी वन, तो ई की पावर माइनस टू ए साइन इनवर्स एक्स, पी की वैल्यू कितनी है डीवी अपॉन डीएक्स। अब अगेन क्या करेंगे अपन, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, यहां तक पहुंच गए, अब हम करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों का पृथक्करण, डीएक्स को इधर ले आते हैं और ऑन इंटीग्रेशन, तो डीवी इक्वल टू सी वन ऊपर चल जाएगा e की पावर माइनस टू ए साइन इनवर्स x अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx। अब एक काम करते हैं अपन, ये जो 2a साइन इनवर्स x लिख रहा है इसे हम t मान लेते हैं, क्लियर, इसे क्या मान लेते हैं t, तो देखो कैसे करेंगे, 2a तो कांस्टेंट, साइन इनवर्स x का अवकलन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, और dx इक्वल टू कितना गया dt। देखो ये c1 ऊपर, ये रूट नीचे जाएगा, और सेपरेशन अवेलेबल हो चुका है, dv बराबर c1, ये e की पावर माइनस का t, देखो e की पावर माइनस का 2a sin inverse का मान अपन ने t मान लिया। अब ये जो सुनो dx अपॉन रूट में वन माइनस, dx अपॉन रूट में वन माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे dt अपॉन में 2a, ये 2a उधर चला जाएगा। अब करते हैं ऑन इंटीग्रेशन, समाकलन कर देते हैं, वन का समाकलन v, वन का समाकलन v c1, और ये 2a अपॉन में e की पावर माइनस t का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस t, और प्लस में ये c2। हमने ये क्या निकाल लिया, v निकाल लिया, यानी हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन करके किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई बच्चों। अब v की वैल्यू आने के बाद अब सुने, अब हमने ये जो v का मान है, ये v का मान कहां जाएगा, समीकरण नंबर दो के अंदर, और इस तरीके से आप क्या निकाल लोगे, अभिष्ट हल, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में एक बात क्या नजर आई कि जो u की वैल्यू है प्रश्न ने स्वयं ने दी, यानी हमने हमारे दिमाग का यूज ही नहीं किया, वैसे तो हम यूज करते थे कि यू निकालते थे तीन बातें करके, तीन बातें मैंने सिखाई, पहली बात वन प्लस पी प्लस क्यू बराबर जीरो चेक करते हैं, वन माइनस पी प्लस क्यू को चेक करते हैं जीरो हो, और पी प्लस क्यू जीरो करते हैं, लेकिन इस प्रश्न ने खुद ने कह दिया कि वो जो ई की पावर दिया था ना ए साइन इनवर्स, इज अ वन सॉल्यूशन, क्यों एक सॉल्यूशन है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो यू की वैल्यू है, या ऐसा बोले वन पार्ट ऑफ सी एफ, यानी सी एफ का एक भाग हो। तो आज के बाद ध्यान रखना, हो सकता है अनसोल्ड में भी हो ऐसे क्वेश्चंस। तो अब आप सभी इस एक्सरसाइज ए के
अनसोल्ड क्वेश्चंस भी करें, बच्चे को एग्जाम्पल भी करें। अभी एग्जाम्पल जो फाइव है इस एक्सरसाइज का, अभी एग्जाम्पल फाइव उससे मत करना, उसे मैं करा दूंगा एग्जाम्पल फाइव को, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एग्जाम्पल फाइव के लिए। तो अब देखो आगे, तो ये जो हमारी टॉपिक चल रहा है सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, किसकी? सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी हमने सबसे पहले कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट की, हमने एक्सरसाइज ए, और इसमें हमने सीखा कि जब U गिवन हो, मतलब U पता लग जाए, अगर तीन, देखो U के लिए कितनी बातें, तीन बातें, U के लिए कितनी बातें, तीन, अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू जीरो हो, या 1 माइनस पी प्लस क्यू जीरो हो, और पी प्लस क्यू एक्स जीरो। देखो सबसे पहला काम होता बच्चों पहचानने का, पहचानोगे तभी तो प्रश्न को हल कर पाओगे। अगर ये तीन बातें लग जाएं तो U हमें पता लग जाता है, अगर ये तीनों बातें अगर क्वेश्चन के अंदर लग गई तो हमें U पता लग गया, और U पता लग गया तो हमें इसका वर्किंग मेथड आता है, क्वेश्चंस कर लेंगे। लेकिन अगर ये तीनों बातें 1, 2 एंड 3 अगर ये फेल हो गई, अगर ये तीनों बातें फेल हो जाती हैं कि ये नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, क्या जाए, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी तीनों बातें फेल, तो हम प्रश्न को एक्सरसाइज ए से नहीं कर सकते। वही तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि आप सबसे पहला काम होता पहचानने का, आप सबसे पहले यह पहचानना कि समीकरण सेकंड ऑर्डर की है या नहीं। सबसे पहला काम ये पहचानो कि सेकंड ऑर्डर की है या नहीं। अब सेकंड ऑर्डर में भी एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम ए बी सी डी ई। अब इन सब में से क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन ए का है या बी का है या सी का या डी का या ई का है, तो ये भी हमारा एक काम होता पहचानने का। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम पहचानेंगे एक्सरसाइज ए का है, और ए का कैसे पहचानोगे, आप तीन बातें चेक करना, यू के लिए कितनी बातें चेक करना, तीन बातें, अगर ये तीनों बातें फेल हो जाएं तो फिर आप कौन सी एक्सरसाइज पर बढ़ोगे आगे, आप एक्सरसाइज बी की तरफ आगे बढ़ोगे, और एक्सरसाइज बी का वर्किंग मेथड हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और हम बी एक्सरसाइज का वर्किंग मेथड सीखने के साथ साथ बी एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो यहां तक हमारा लेक्चर खत्म, इस एक्सरसाइज ए को फिनिश करने में मैंने टोटल कितने लेक्चर लगाए, 4, जिसमें मैंने वर्किंग मेथड बताया और 3 क्वेश्चंस कराए। अब आप लोग बाकी क्वेश्चंस हैं उनको करें, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न और एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है जैसे जैसे मैंने कराए। तो मिलते हैं फिर इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा और गुड बाय।